Hi guys, it's time for Posting Happiness. आज है डे टू क्रोएशिया में अभिनव का और एक स्लाइट प्रॉब्लम हो गई है. स्लाइट जो जगह हमने बुक करी थी वो जगह हमने पूरे सैटरडे तक करी और अब जब हमने चेक किया तो पता चला कि जिन जगहों पे हमें जाना है काफी दूर है. 6 घंटे की ड्राइव है तो पॉइंट नहीं बनेगा हम यहाँ से 6 घंटे ड्राइव करके जाएंगे फिर वापस आएंगे. बेसिकली हुआ क्या है, मैंने ये प्लानिंग इसके हाल पे छोड़ दी तो अभी हो रहा है. पहले बता देती अपने ऑफिस में पूछ के फिर हम उस हिसाब से एक एक दो दो दिन की बुकिंग करके लेते. पर मेरे माइंड में था कि क्रोएशिया इतनी छोटी सी कंट्री है. आई डिडंट इमेजिन जब अभिनव ने आज मुझे, मैं नहा के आई तो ये बैग्स लेके रेडी था तो मुझे लगा ये क्या कर रहा है, तो ये कहते निकलना पड़ेगा तो माय हार्ट सैंक. और मैं से कल परसों से भी मैंने बोला फिर वही मैंने सुबह चेक किया, यही होता है तेरे हाल में ना कुछ नहीं छोड़ना चाहिए. मेरे कॉलीग्स मुझसे पूछ रही थी स्टे का क्या प्लान है, मैंने कहा वो मेरे हस्बैंड ने किया हुआ है, तो वो कह रही थी मुझे कि स्टे वे प्लान करना सो बोरिंग है, मैं कभी नहीं करती ये सब, माय बॉयफ्रेंड डज. आई डिसाइड व्हाट टू ईट, मैंने कहा एग्जैक्टली मैं भी यही डिसाइड करती हूँ क्या खाना वो भी नहीं है, कहाँ खाना है. इधर उधर नहीं कर यार, ऐसे मत बोल, मैं तुझे अच्छी जगह ले गई, तूने कहा था तुझे अच्छा लगा. चलो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं. कल स्प्लिट जाएंगे फिर दुब्रोवनिक जाएंगे. सबसे ज्यादा मुझे इंतजार है स्प्लिट का और उसके बाद हम जाएंगे. हाँ अभिनव, क्योंकि स्प्लिट के बारे में सुन सुन के अभिनव और मैं मेरे पापा से एकदम थक चुके हैं, इतना ज्यादा पापा बता चुके हैं. तो हम स्प्लिट के लिए बहुत एक्साइटेड है. मैं सीट बेल्ट पहन ली. हम जा रहे हैं जदार एंड हमने सोचा है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. रात को जाएंगे सी ऑर्किड और एक और जगह जो सनसेट के लिए काफी फेमस है. और अभी मैं लेके आई हूँ सिप्पी सिप्स. तो आज हम सिप्पी सिप्स खाएंगे. यहाँ इनके कुछ चिप्स है काफी फेमस, लेज की तरह हर जगह ये थे. वहाँ मैंने यहाँ लेज नहीं देखे. कोक है, पेप्सी है, फैंटा है, मगर सिप्पी सिप्स है, लेज नहीं है. यार ऑनेस्टली तूने कहाँ कहाँ ड्राइव कर लिया है, कैसी कैसी ब्यूटीफुल जगहों पे तू ड्राइव कर चुका है. व्हाट ए लाइफ. क्या लेना है उस पे, किसी का घर तो नहीं है, लग तो नहीं रहा. चला चल तो, ये भी तो वैसे ही लग रही जैसे नैनीताल में होता है. वहाँ भी तुम एक घर की छत पे गए थे. पहले जब मैं ये कहती थी ना तो अभिनव को हंसी आती थी, अब वो खुद रियलाइज तो नहीं जाएगा. कूद मत, सीधा नीचे जाएंगे. ये तो यहाँ क्रैक्स भी फॉर्म हो गए. गए तो गए. इतनी थी जिंदगी, थोड़े बहुत हड्डी टूटेगी मैक्स. ये अंकल अपनी बाइक में आए एकदम बढ़िया चला के, अभिनव बैठा के देख रहा है. Yeah, it, you can lift it. Yeah, it's heavy. you need training for this. Yes. Hydro powered. अब हम आए मॉल लग रहा है, मॉल या ना, हाँ सुपरनोवा मॉल. हमने रियलाइज किया कि हमारे पास स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं है. ये है एक बीच कंट्री तो यहाँ स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो चाहिए. अब हम बोले मैडम ने बताया ही नहीं, लेकिन अब हम आए लेने के लिए. Alright guys, हम इनके मॉल में आ गए हैं. बहुत बढ़िया मॉल है. हमने पीने के लिए यहाँ पे जूसेस मिलते रहते हैं, तो इसने ऑरेंज जूस लिया, मैंने लेमन लिया. अब जो लेना है वो जल्दी ले. अब फिर वही हो रहा है, हम नेचर देखने आए थे क्रोएशिया में और मॉल ढूंढ रहे हैं. बताओ मॉल में घूम रहे हैं. कैसे ढूंढने, कॉस्ट्यूम भी तो चाहिए. ये है, जल्दी ले ले यहाँ से अब कोई भी. अभिनव ने यहाँ से न्यूयॉर्क का एक स्टोर है वहाँ से ले लिया है अब अपने स्विमिंग शॉर्ट्स. अभी रिवील करूंगा. ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, बस. क्या रिवील करेगा? सिर्फ शॉर्ट्स. तो हम आ गए हैं डेस्टिनेशन पे और अब हमें जाना है वहाँ जहाँ हमारा अपार्टमेंट है. इसी के ऊपर है और आज अभिनव के लिए हमारे कुछ पैसे बच गए क्योंकि आज संडे को फ्री पार्किंग. फ्री पार्किंग देखो मेरे साथ फायदा ही फायदा. वो जो एक हफ्ते की बुकिंग करके निकले हुए वो हर साल मेरे बर्थडे पे हम चैरिटी करते हैं. इस बार हमने बहुत बड़ी वाली कर दी. ये हमने बहुत सही किया, अब हम फ्री हो चुके हैं.
हम फ्री हो चुके हैं, अब मैं बैठ के आराम से फ्रीली दारू पीनी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ वॉक करनी है तो मुझे ड्राइविंग की भी टेंशन नहीं है। किस साइड जाएंगे, उस साइड जाएं या देखिए इस साइड में वो है म्यूजिकल चल ये वो नहीं है, गिर सकते हैं यहाँ से नीचे। ब्लू ग्रीन पानी है, ब्लू ग्रीन ये बताऊँ कैसा पानी है, एक्चुअली मैं पहली बार देख रहा हूँ, जैसे हर जगह काफी जगह क्लीन होता है बट ये ब्लू ग्रीन वो है जो कहते हैं एक्वा ब्लू ग्रीन, क्या मन कर रहा है ऐसे बैक फ्लिप मार के पानी में चली जाओ, बट ये वैसा ही पानी है, देख जैसे वो होते नहीं है कलर में कहते हैं ये ब्लू ग्रीन है, एक्वा ब्लू ग्रीन, ये प्रॉपर ब्लू जैसे पानी ब्लू होता है, ये वो ब्लू, चल ब्लू ग्रीन ये है लिविंग द लाइफ, यहाँ बैठ के मस्त फिशिंग फिशिंग करो। तू कर ली फिशिंग? नहीं यार, आई डोंट लाइक द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फिशिंग, बिकॉज हम क्यों फिश को तंग करें, फड़फड़ाती है बेचारी, क्यों करना, आई डोंट लाइक इट, सो इट्स लाइक हमें कोई हवा से निकाल के पानी में डाले, वुड यू लाइक इट? नो, सो हम ऐसा क्यों करें? ये बात तूने बड़ी सही बोली, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। एनिमल लवर वो नहीं आती ना स्विमिंग नहीं आती, कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, टाइटैनिक नहीं होता है, ऐसी वैसी गाड़ियाँ नहीं है, ये फ्रांस से यहाँ डाल के आए हैं, बड़े ही अमीर लोग होंगे जो ऐसे अपनी कार्स डाल के लाए, इतना महंगा थोड़ी ना होता है, लाइक क्रूज का पार्ट होता होगा वहाँ से, सारे क्रूज में नहीं होता, क्या बात कर रहे हैं, मुझे लग रही है शिपमेंट वाली शिप, वो वाली शिप है ये, सामान ले जाने वाली शिप है ये, और इनका प्रोनंसिएशन क्रोएशिया में ऐसे ही है कुछ गराज गैरेज टाइप, ये लोग भी गैरेज नहीं कह रहे, कुछ और मिक्स कर लेंगे। हम जा रहे हैं बीच की तरफ, यहाँ लेफ्ट में खाने के ऑप्शंस होंगे, मैंने ऐसा ऐसे बोला है बस मिल जाए। हाँ यार वही है, कोई वो स्टोरेज वाली है, देवी वो सब पता है यार, ऐसा कभी हो सकता है इसने कुछ कह दिया और मैंने इसे काउंटर किया और ये सही ना निकले। इस पे ये कंपास बना हुआ है, मुझे ये दिख रहा है ऐसे नॉर्थ यानी 10 degrees, नहीं पता है बट यहाँ कुछ होता होगा, सोलर पैनल, सनसेट के टाइम पे आना है यहाँ उन्होंने कहा था। यहाँ से पानी अंदर जाता है, उनके बीच में से छोटा छोटे गैप्स है, देख बेसिकली उन स्टेप्स के बीच में से वहाँ वो जो गैप्स है ना उनसे पानी जाता है, और फिर वो ये जो है ना ये इनसे जब वो हवा निकलती है ना पानी अंदर से आने से, तो समझा रहा हूँ नहीं, उससे आवाज आती है, रिकॉर्ड कर रही हूँ आवाज। वैसे आवाज कितनी ईरी सी है ना, तो पता मुझे याद आ रहा है, मैं तुझे कहता था ना ये एक मुझे जगह देखनी है, मैंने देखी यहाँ से सारी आवाज। ये क्रोएशियन लोग हैं, मॉस्क और गुल्स, कितना सही है ना, स्पीकर्स नेचुरल स्पीकर्स हैं। फिर मार्केट आ गई, चल हैट्स ले ले, और देख वहाँ से ला रहे हैं सब आइसक्रीम्स, जाना है बता इसमें तेरा नाम होगा, मैं क्या कहता कि नहीं। संडे एंड यूरोपियन टाउन्स ऐसे होते हैं, चिल। ओह माय गॉड। ओह माय गॉड। थैंक यू। व्हाट्स दिस? शर्कोदा। शर्कोदा। ओह माय गॉड। मैं डेरिक बन रहा हूँ। हाँ, तुमने तो कुछ बहुत अलग सी लिए, मैंने तो ये लिया अपनी। टाउन की हिस्ट्री ज्यादा एंड वॉर है ना, वर्ल्ड वॉर के बाद कितने लोगों ने इन्हें कैप्चर करने की कोशिश की, वर्ल्ड वॉर है, हां ये सेकंड वर्ल्ड वॉर है, ये पहले प्री और 16th सेंचुरी, माय गॉड।
यहाँ के बच्चे ना शरारती नहीं है जैसे ब्रिटिश बच्चे होते हैं। हाँ, नहीं ये बड़े सीधे साधे बच्चे हैं। सीधे साधे पीसफुल साइलेंट अपने में मस्त। टिश्यूज चीज़ी है चीज़ी। थैंक यू। अरविंद ने काफी क्लेवर चीज करी है क्या बताओ। पहले मैं बताती हूँ। नहीं पहले मैं बताती हूँ। मैंने उन्हें ये बोला कि आप यहाँ ना नॉनवेज इजीली मिलता नहीं है, तो मैंने कहा कि इसमें मशरूम्स और वेजिटेबल्स डाल दो। उसने कहा नहीं वो नहीं हो सकता, सिर्फ सॉस। तो फिर मैंने एक चिकन वाली पकड़ी, मैंने कहा ये दे दो इसमें से चिकन हटा दो। तो उसमें सारी वेजिटेबल्स आ गए, बस चिकन माइनस। तो अगर वो ये करने को रेडी थी तो वो प्लेन वेजिटेबल बनाने को है ना। पर ठीक है, नाइस। थोड़ी देर पहले अभिनव मुझे कह रहा था कि सनसेट देखने जाना है। सनसेट का सनसेट हो गया, सब खत्म हो गया। 12 बजे के बाद जाना चाहिए। तूने ही तो बोला था। क्या बकवास कर। तूने बोला था क्यों 12 बजे के बाद जाना। क्या बकवास। तूने बोला। मैंने नहीं बोला, ये पागल है। मेरे को तो अभी सडनली क्लिक हुआ कि ये क्या कर रहा है, तो कह रहा था सनसेट। इस तरह बियर पियो भूल गया। क्या बात है, सनराइज क्यों कर दिया तुमने सनसेट के टाइम पे? क्योंकि मेरा फ्लैश ऑन है पागल। इसको वो ड्रिंक्स जल्दी ले आए, ये खत्म होने वाला है। जल्दी राय। वैसे यहाँ एक रिवाज है कि यहाँ किसी भी जगह पे हमें खाना नहीं मिल रहा है, तो हम जहाँ खाना दिख रहा है वहाँ से खाना लेके फिर यहाँ आ रहे हैं ड्रिंक्स के लिए। अभी ना बहुत सारी आइसक्रीम्स दे रहे हैं। अभी हमने आइसक्रीम खाई थी, फिर से और आइसक्रीम लेने आ गया है। ये तो मैरिक कर रही है। हो गया पेमेंट हो रही है। यस यस थैंक यू बाय। यहाँ पे ऐसी पतली पतली सड़कें हैं, कहीं भी जाते जाओ रेस्टोरेंट मिलते हैं, आइसक्रीम बहुत ज्यादा मिलती है, पिज्जाज मिलते हैं। और अब यहाँ से कहीं से भी जाओ घर पहुँच ही जाएंगे। पहुँच ही जाएंगे। छोटी सी जगह। कहाँ जाए, इधर चलो।